ले ले यार, ले रहो ना जे। कोई सोसाइटी शर्टी बना के ना जुमों को भेज दी है जगह। नाड़ा नजर आ रहा है, नाड़ा सीधा से तुझे पर मोड़ ने किया अल्लाह मगर अब जरा फिर आ जाओ। ये लोली भाई, आपको मेरी तरफ से ईद। थैंक यू। आए हाय, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरे साथ अभी देख सकते हैं हमेशा की तरह ये दो हजरात, दो खचे मौजूद हैं। दिलीप साहब अपने बालों क्या बनाया हुआ, इसको तो बंद करो ना यार, सारी आवाज भी स्टार्ट हो रही है ज्यादती। मैं सुबह से पिट रहा हूं, मेरे बाल बना दो, बाल बना दो, मेरे बाल नहीं बनाए जा। क्या मैम, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तुम्हारे बाल बना दूं क्यों जी? तुम क्या बने हो, करण सोजला? करण ओजला। ये देखो जी, वेन्यू ऑर्डर करण ओजला फ्रॉम दराज। आज आपके भाई ने सोचा आज व्लॉग दस्ती स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछली ईद पे भी ना ये सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन मैंने व्लॉग बनाया नहीं था। आपने दो तीन दिन पहले जो व्लॉग देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि आपका भाई मोटिवेट हुआ है, तो मैं व्लॉग बनाऊंगा। तुमसे ना हो पाएगा। तो ये चेक करें आपके भाई की ऐनक, सुभान अल्लाह क्या बात है। ये आपका भाई पहन के आपको दिखाता है। तो नाजरीन चेक करें, और नीचे से ऊपर तक दिखाओ ना यार। ओ सॉरी, पूरा भाई का आउटफिट दिखाओ। चेहरा कैसा लग रहा हूं मैं? ओ माय गॉड, कैमरा किधर है? कैमरा वो पड़ा हुआ है। चार्ज है? चार्ज है। शेरा कैमरा चार्ज है जी बॉस। हमारी पिक्चर लो। ऐसा नैश किस्म का इंसान है, पिछले क्लिप में अच्छा भला मैं खड़ा हुआ था इस साइड पे, वीडियो बनवा रहा था, भाई ने कैमरा ही बंद कर दिया। यार पता है क्या, मैं तेज बोलो टू, सुन सुन ले, सुन ले, टू एक्स पे लग जल्दी हो। हम सैमसंग यूजर है, मैं आईफोन यूज करने नहीं आता, इस वजह से मुझे नहीं पता। क्या हो गया आराम से भाई, क्यों हो गया तुझे? क्यों जी सोजला साहब, तुम्हें क्या क्या हो गया? कुछ नहीं। नाजरीन ये बंदा पिछली बार गया था कटिंग कराने के लिए, और इस बंदे को नाई ने करण ओजला से करण सोजला बना दिया था। ये मेरे एक संगी ने इसका नाम डाला था, इस वजह से उस टाइम से हम भाई को कहते हैं करण सोजला। यार ये बाकी दो कनाल नहीं है, कुछ पांच ही एकड़ जगह है ये। यहाँ पे कोई सोसाइटी शर्टी बना के ना जुमो को भेज दी है जगह। वैसे मारी तूने भी ठंडी है, मारी मैंने भी ठंडी है, बात तो सही है। पंखा देख अभी बंद है, फिर भी गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि जूते हम ठंडी मार रहे हैं, समझ रहे। ये बालों क्या बनाया जैन मलिक, आदमी। अभी आपके भाई ने को पिक्चर वगैरह नहीं लिए, अभी आपका भाई पिक्चर लेगा अच्छी सी इंस्टा के लिए, अच्छी स्ट्रीक भी मतलब एक स्टोरी बनाते। वो मैंने स्नैपचैट पे स्ट्रीक भी नहीं सेंड की, अभी स्ट्रीक भी सेंड करता हूँ किसी को, लोगों को जो जो मेरा स्नैपचैट के ऊपर ऐड है। अगर आप लोगों ने भी अपने भाई को स्नैपचैट पे ऐड करना है तो मेरी स्नैपचैट की आईडी क्या है वैसे? अली हैदर _39, ये आपके भाई की स्नैपचैट की आईडी है, तो अपने भाई को आप स्नैपचैट पे भी ऐड कर सकते हैं, बात तो सही है। उससे ज्यादा जरूरी है आप अपने भाई इंस्टा पे फॉलो कर लो। ये देखो ना जरा, पिछला व्लॉग देखा था भाई, बनैन पहन ऊपर से नीचे आ गए, साका वीडियो बना रहा था इसकी बनैन की। वैसे आपस की बात है, इसने वीडियो बनाए किया क्या होगा साके ने? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या बात है सर, क्या बात है। नाजरीन इस बंदे को जानते हैं आप? क्या वजह जी, परेशान क्यों हो? बंद ही रहना चाहता हूँ, बड़ी यार वाली भी खप डाली थी इसने, आप बोलो दोबारा बोलो। ये जी ये जो भी सारी बंद हुआ था ना, मैं चाहता हूँ कि मैं सारी जिंदगी के लिए ऐसी बंद रहूँ। भाई उरी 10 दिन के लिए तकाव बैठे हुए थे, ऐसी बात नहीं है माशाल्लाह। गाड़ी में है यार, अभी कैमरा ऑन होता, परेशान क्यों हो? चले नाजरीन बंदा परेशान हो गया, मैं जरा भाई से मिल के ना, तो फिर आपसे 2 मिनट में मिलता हूँ। जी भी अब बोले जी, एक कैमरा ऑन होता है तुम्हारी बत्ती गुल हो जाती है। आप मुझे थोड़ा सा बता देते कि अगर आपने वीडियो बनानी थी, मैं जरा पैंट शर्ट पहने था। अच्छा, वैसे अंदाजा लगाओ ये बंदा इतकाफ से उठा है तो इस बंदे ने अस्तगफिरुल्लाह की रट लगाई हुई थी, और अभी ये बंदा शलवार क्यूज में खुश नहीं है। भाई मैं अभी भी यही कह रहा हूँ की दुनिया जो है ये कुछ टाइम की है, तो हमने सब कुछ यहीं पे। अच्छा तुम्हारे अंदर भी इसहाक के लिए रूह है थोड़ी सी? सर जी वो सर ये इसहाका भी जरा सुस्त सुस्त हो गया, बोलता है इसहाक के लिए रूह है। भाई का नाम हमने आज से ना मुफ्ती अली रख दिया। आइए नाजरीन एक और आइटम। हाँ जी, वो ईद कौन मिलेगा? ईद मुबारक। बस ले लीजिए, चलो अंदर हो। ईद मुबारक। बाहर कहता है ईद मुबारक, मैं कहा मिल ली थी ना, कितनी बार मिलनी है। चांद बार बार नजर आता तो ईद फिर साल। ईद 3 दिन होती है। अच्छा ईद मिलो, फिर उठो ना, मिलो ना जी, फिर प्रॉपर ईद मिलो ना जी, उठो। मिल ली थी बोल। अरे बस कर भाई, चलो सीरियस हो गया आज। आ जा और रुको जी जरा, ये मुंडा ये आने। ओ जी ईद मुबारक जी साहब, ईद मुबारक, माशा ईद मुबारक, ईद मुबारक।
ये भाई इतकाब बैठे थे भाई अभी को स्टोरी सुनाने लगी है अपनी, तो हमने कहा आपसे भी जरा शेयर कर लें। ये सर पहली बात तो ये इतकाब की नहीं ईद की नमाज की है। तो सर बाकी बातें छोड़, ये क्या किया, ये फोन क्यों उठा कर रखा है? सॉरी ये क्या कर रहे हो जी? हां यूं दिखाओ ना जी, पहले ये दिखा दो मेरा ही है। तो हुआ यूँ, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमजा भाई, ठीक है ना, तो नमाज पढ़ रहे ना, तो हुआ यूँ ना कि जिस मस्जिद में पढ़े थे वहाँ के जो मौलवी साहब थे बहुत स्लो सी करा रहे थे, तो मेरे समेत तो सारे को नहीं मेरे ख्याल से पता था, मौलवी अगर करता था ना अल्लाह अकबर 5 सेकंड ना सब एक दूसरे को देखते थे करना क्या है। यूँ ना पहली रकात बड़ी औखी होगी, धीरे से अल्लाह अकबर के 5 सेकंड बाद हम ना अपनी डायरेक्शन चेंज करते थे, ठीक है ना। हुआ यूँ ना हमजा साहब और मेरे साथ थे, दूसरी पहली रकात ठीक होगी, दूसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह पढ़ी, सूरत वगैरह पढ़ी, उसके बाद 3 दफा यूं करना था। हमजा ने एक बार भी कर लिया जो अल्लाह अकबर सीधे सीधे हाथ कर लिया, मौलवी ने फिर बोला अल्लाह अकबर, हमजा ने देखा आगे पीछे फिर किया जो अल्लाह अकबर, तीसरी बार फिर मौलवी ने कहा अल्लाह अकबर, हमजा ने फिर आगे पीछे देखा, सब ने जब किया ना हमजा ने फिर किया जी अल्लाह अकबर, चौथी बार ना अल्लाह अकबर करके रुकू में जाना है, 3-3 बार होता है, चौथी बार मौलवी ने किया अल्लाह अकबर, हमजा ने फिर आज लोग इंसान है फरिश्ते नहीं है तो गलती गुस्साखी होती रहेगी, लेकिन देखिए बात ये है ना कि मेरे बहनों और मेरे प्यारे भाइयों नहीं क्या हो मुसलमान हम सब, उससे पहले क्या बोला था क्या इंसान हो नहीं नहीं व्हाट इंसान बोला मुसलमान बोला नहीं इंसान हो पक्की बात हाँ इंसान इंसान है कौन है ये लोग भाई से पूछा जी इंसान हो भाई उसमें भी कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या हो इंसान हूँ ना ये इसहाक अली आते हैं थोड़ी सी यही नहीं है। असल में चक्कर ये है ना सर मैं बता दूँ आपको दो इंसानों के बीच में एक चांद खड़ा है तो बस ओए क्या बात है क्या बात है क्या बात है वाह 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 गजब टू बी बाज आदमी। अच्छा भाई वैसे माजरत के साथ यार आपसे पूछा नहीं है जिस टाइम क्या पाए हुए हो क्या कुछ चलेगा मुझे बताओ फिर चाय पानी क्या कुछ खाओ पियोगे इतनी गंदी कर रहे हैं के बाद पूछ रहे हैं जी देखो बात तुम्हारी का साफ भी कर देंगे खैर है बताओ आपके घर आए और उसके मिनट मिनट बाद उसकी टूटी फुल हो जाए और उसको बाथरूम आ जाए ठीक है तो मुझे बात बताओ वो बंदा आपको बोले यार घर का बाथरूम जाए खोल मैंने जाना है और फिर वो बंदा जब बाथरूम जाए और वापसी पे लाइट ना बंद करके उस बंदे का क्या इलाज है ये देखो आती से भी नीचे और फिर भी जाना तो बनता है का जिक्र किया लाइट के बटन यहाँ पे नहीं है अंदर वाली साइड पे था इसलिए मैं जा नहीं सका। माशाल्लाह 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 नजरीन ये दरवाजा है ये बाथरूम के अली जी इधर देखो उठो जरा बाथरूम के अंदर ये रहा बटन ये मैंने नहीं देखा था भाई बस जी सर ये फिर ये तो जा रहे जा। और ये जितनी देर में अंदर था उतनी देर में कंघी कर रहा था कंघी कर रहा था ये बाल देखो एयर स्टाइल दिखा लोगों को ओए होए चेक करो जी ये लो ये आज के लोग अली भी क्यूट लग रहा है कि नहीं बहुत माशाल्लाह वर्ल्ड क्यूटेस्ट बॉय थैंक्स। तो नाज़रीन अभी हम आपसे दो बंदों और को मिलाते हैं इसको पहचानते हैं सामने ईद मुबारक बोलो भाई ईद मुबारक ये क्या है वो याद है ईद मुबारक कर और ये किसको जानते हैं नाड़ा नजर आ रहा है नाड़ा से नाड़ा डाले तो नजर आ रहे हैं ईद मुबारक करो जी ईद मुबारक गले में तो कैसे हैं अब मोबाइल से गले अच्छा वैसे उठो ना गले दो ईद नहीं मिले ना हम ईद मुबारक भाई ईद मुबारक कैमरामैन इन पे भी फोकस करो ईद मुबारक जी ईद मुबारक ईद मुबारक नाज़रीन ये दो बंदे भी बाद में हमने कहा आपसे ही मिलवा दें जरा इनको ये भाई आज जा रहे हैं कितने बजे की फ्लाइट है भाई 8:35 सबसे पहले घबराना नहीं मैं पुराना वाला हूं अच्छा तुम पुराने वाले ये इधर ही सड़ेंगे इंशाल्लाह फिर तीमल भाई आपका इनके बारे में क्या हुआ यार इसने रात की फ्लाइट रखी भी आप कुछ मुलायजा फरमा रहे थे रात की फ्लाइट के बारे में हम बड़े तंग हैं अपने रिश्तेदारों से भी इनसे भी ये जो ईद की फ्लाइट रख लेते हैं जाने की ना इनका बड़ा मसला सही कह रहे हो सर आप मैंने ना स्टेटस लगाना है ईद आ गई वो मेरा यार भी आया कह रहे थे अपनी तस्वीर लगा के ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगा बात ठीक है कि भाई जी ईद हमारी हमने रात को अपना घूमने फिरने जाना हो खाने पीने जाना होगा भाई साहब ने अपनी फ्लाइट रख ली है इसको इतनी शर्म नहीं है बंदा ईद गुजार के जाता है ये लोली भाई आपको मेरी तरफ से ईद थैंक यू आए हाय
ये नाजरीन ये अब सब ने गुहार है ना भाई को ईद दी है। ये कैसा बंदा शुक्रिया भी नहीं अदा किया भाई, बोले ना वीडियो का टाइटल ही रख देना जी। देखें भाई 10,000 रुपए दिए मेरे प्यारे भाई ने। इधर आहा बहुत चंगा ना मैं उठ के आओ जरा इधर खड़े हो ओ स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर वीडियो में तो खड़ा होना इधर। वीडियो का टाइटल निकला है 10,000 रुपए ईदी दे दी। हां ये भी बात है। ये देखें भाई 10,000 रुपए दिया भाई ने बस उधर जाकर मैंने खरीद लिया गया। देखो इस नोटो पे ईद मुबारक तो नहीं लिखा। दिखा भाई दिखा 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 नाजरीन देखें ताजी ये फाड़ के पता चलेगा कि जेन्युइन है कि नहीं। दिखाएं ये भी 6 बंदों को जो है बिग डैडी का माइटी सीलर खिलाएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अली भाई डबल मीनिंग बातें ना किया और वो फाड़ के और तुमने जिंदगी में क्या क्या फाड़ा हुआ जो तुम्हें फाड़ के पता लग रहा है। नाजरीन ये बंदा कल इत्तेकाफ से उठा रहा जिस बंदे की बातें सुन लो। मैंने परसों बोला था ना मुफ्ती साहब को 2 दिन गुजरने थे। बात तो सही है। मस्जिद उसने पूछा कौन सी वाली किस जगह। क्या पता भाई बैठे ही ना हो घर में बैठे हो कुड़ुक अंडो पे तो मैं आप मैंने बनाई थी वो दिखा दो फिर कौन सी कंफर्म में जन्नती है उस पे जो बनाई थी मैंने। तो गाइस ये इत्तेकाफ बैठे टिकटॉक बनाने के लिए बैठे थे सर वो लोगों ने बना दी थी ना जरा फिर यू नो चल झूठा। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये भाई ओ के होगी बह जाओ ए फोन पे। नाजरीन सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये भाई जो है ना बस अभी हमसे मिल के उसके बाद ये भाई जो है ना अभी हमसे मिलके बाद जा रहे हैं। आज इनकी फ्लाइट है अभी 6 बजे। टाइम क्या हो गया 5:20 रह गए हैं। चलें सर सबसे मिले आपको हम रिकॉर्ड करते हैं। मिलो जी ठीक है जी ओके जी आपके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं ठीक है ना बेस्ट विशेस हैं कि आप कामयाब हो और आपको नीचे होके मिलना ओए गिट्टी नस्ल है ओ ग्लास बहुत ओए बेशर्मो खोपड़ी तो साले का तेरा को सीधा कम भी है नशा जहा। मिलो जी ओ जी ली भाई अल्लाह हाफिज जी। ब्रेक के बाद ये ब्रेक कितनी लंबी है देखो हैं देखो फिर भी अंदाजा कोई पता नहीं भाई और क्या बताओ कह रहे हैं भाई बड़ी ईद पे आएंगे। बड़ी ईद पे तुम आना नहीं पता लेकिन शायद मैं भी हो। बड़ी ईद पे भाई आएंगे भाई की कुर्बानी करनी है हमने इंशाल्लाह। इनकी शादी पे ही आएंगे आपको मिलेंगे। ये देखो ना जरा वो उधर उधर उसको कह रहा हूँ। अच्छा भाई से आखिरी दफा टाटा बाय बाय कर दे। अल्लाह हाफिज कर दे तो फिर अल्लाह हाफिज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर नाजरीन सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आप जेब साहब को देख सकते हैं। अभी ये पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे मरियल जैसी हालत हुई हुई है साहब की। इधर इसको देख लो ये आटम दांत ही निकालता रहता है। तो इधर ये तोड़ा भरा पता नहीं अभी धूप में कैसे लग रहे हैं। बस अभी यहाँ पे पिक्चर लेते हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब का थंबनेल भी ले रहे हैं इस वीडियो का। और नींद इतनी को सख्त आई हुई है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तुम्हें क्या हो गया तुम मरियल वाली हालत की हुई है। बिल्कुल फ्रेश है। चल झूठा बिल्कुल फ्रेश है भाई। यार पता है इधर ये देखिए जी नाजरीन ये ज़ुवेब अब शूटिंग कर रहे हैं अली भाई की। अली भाई इस ज़ुवेब की शूटिंग से नाखुश हैं और ज़ुवेब साहब मेहनत करते हुए अली एक मिनट ये यार यहां से थोड़ी क्वालिटी अच्छी आ रही है वीडियो की। ये गुड ये अच्छी है ये मेरी टंडी यहां से अच्छी आ रही है। यार तू मेरी तस्वीर ले ले मैं तुझे बता रहा हूँ तू मेरे से घड़ खा लेगा। अब मैं कल से लोगों के पीछे मिन्नत कर रहा हूँ मेरी तस्वीर ले लो मेरी तो ये बूथी है तस्वीर लेने वाली। कैसी अपमान जाने बातें कर रहा लड़का। अरे मेरा इंस्टा खोल लो आप सूरज जा रहा है नीचे तस्वीर नहीं खींची। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी तस्वीर ले जल्दी से मुका नाजरीन मैं मिलता हूँ 2 मिनट बाद आपको। जरा उठ जाना ओके ही होए अंडा आई थक गए तस्वीर अच्छी आई है ये। अच्छा तो नाजरीन बस सीन्स कुछ ऐसे हैं कि भी हमने पिक्चर्स वगैरह ले ली हैं। अगर तो इसके बाद हम लोग कहीं गए वो वाले सीन्स भी व्लॉग में डाल देंगे। अगर नहीं तो ये व्लॉग यहीं पे एंड कर दें क्योंकि अब हालत बहुत टाइट हो चुकी है। आपके भाई को नींद आई हुई है बड़ी सख्त और अभी मैं सोच रहा हूँ कि बाद जाके अब नीचे ना सो जाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इन दोनों को भी अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़।